नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लाडली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, अब 21 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बहनों को भी मिलेगा इसका लाभ। कि जो बहनें अविवाहित हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाए। जी हां, लाडली बहना योजना में अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाली अविवाहित बहनों को भी इसका लाभ मिलेगा। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है। वे जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आए थे। करीब 3 घंटे देरी से पहुंचे सीएम शिवराज ने 2 विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रोड शो किया। यात्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पास हनुमान जी के दर्शन के बाद शुरू हुई। यात्रा में मंत्री हरदीप सिंह डंग और सांसद राकेश सिंह समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे, जो कि अब अक्टूबर महीने से बढ़कर 1,250 रुपए महीना कर दिया गया है। गांव में जिनके नाम रह गए किसी कारण से और गरीब है तो उनको भी, और शहर में अगर इतनी जमीन नहीं होगी तो बल्टी बना के भी, मेरी बहनों अगला कदम होगा हर गरीब को छोटा सा भला हो लेकिन एक पक्का मकान तो देंगे बनाने के लिए पैसे। अब नीट के एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएंगे तो 2 लिस्ट बनेगी, एक जो सबसे अच्छे नंबर लाए उनकी और दूसरे सरकारी स्कूलों के बच्चों की, और सरकारी स्कूल के बच्चों को 5% रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में दूंगा। जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याण के जो काम किए हैं उसके कारण जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और आज जबलपुर में भी जनता का आशीर्वाद मांगने आए हैं। उनके पास निशाने के अलावा कुछ है नहीं, बौखलाए हुए हैं। तो जनता का आक्रोश उन पर भड़क रहा है, तो हमें आशीर्वाद दे रही है जनता, तो हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जनता उन पर आक्रोशित है तो वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।